हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल इम्परफेक्ट वीडियोस में। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में। आज है 19 दिसंबर 2020 और इतिहास में आज के दिन क्या कुछ खास हुआ था अगर इस बारे में बात की जाए तो दोस्तों, आज के दिन सन 1919 को जम्मू में ओम प्रकाश बख्शी का जन्म हुआ था। ये अपने दौर के जाने माने चरित्र अभिनेता रहे। ओम प्रकाश ने लगभग 350 फिल्मों में काम किया। बात की जाए दोस्तों इनकी यादगार फिल्मों की तो उसमें पड़ोसन, जूली, 10 लाख, चुपके चुपके, बैराग, शराबी, नमक हलाल और इसके अलावा भी कई नाम शामिल रहे। इनकी आखिरी फिल्म नौकर बीवी का थी। महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्मों में ये खासे सराहे गए। नमक हलाल का दद्दू और शराबी का मुंशी बनकर ओम प्रकाश ने लगभग हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बनाई। और आज ही के दिन दोस्तों सन 1934 को जलगांव महाराष्ट्र में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का भी जन्म हुआ था। ये आज़ाद भारत के 60 सालों के इतिहास में मध्यम वर्ग परिवार से उठकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। इन्हें भारत का 12वां निर्वाचित राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल हुआ। इनका राष्ट्रपति बनना नारी शक्ति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 21 जुलाई 2007 का दिन इस कारण काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहेगा, क्योंकि देश की आजादी के 60 साल बाद एक महिला को प्रथम बार एक राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का मौका मिला। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की और देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। दोस्तों, बात की जाए आज के दिन निधन हुए व्यक्तित्व की तो आज के दिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को 1927 में फांसी की सजा दी गई थी। देश की आज़ादी की लड़ाई में जलियांवाला कांड, चौरी चौरा कांड जैसी कई घटनाएं दर्ज हैं। ऐसी ही एक घटना है काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में हुई इस घटना की सजा के तौर पर स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी की सजा मिली। साथ ही कई क्रांतिकारियों को जेल की सजा भी हुई थी। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई को सशस्त्र रूप से लड़ने के लिए हथियार और धन की भी ज़रूरत थी, तो ऐसे में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटने का प्लान बनाया और इसी के तहत 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 क्रांतिकारियों ने लखनऊ से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काकोरी में ट्रेन की लूट की घटना को अंजाम दिया। सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को क्रांतिकारियों ने काकोरी में ज़बरदस्ती रुकवाया। इस ट्रेन में रास्ते में पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों से इकट्ठा किया गया पैसा था जिसे लखनऊ में जमा कराना था। क्रांतिकारियों ने गार्ड और सवारियों को बंदूक की नोक पर काबू में कर लिया और गार्ड के क्वार्टर में रखी तिजोरी खुलवाई। इसके बाद उसमें से नकदी लेकर फरार हो गए। इसी लूट को अंजाम देने के बाद सजा के तहत ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। और दोस्तों, बताते हैं कि गोरखपुर जेल में जब जेल अथॉरिटीज राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के लिए लेने आई तब वो काफ़ी अच्छे मूड में थे और कसरत करते नजर आए। जब उनसे पूछा गया, अब तो फांसी दी जा रही है तो ऐसे में कसरत क्यों कर रहे हो, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं कसरत कर रहा हूं ताकि स्वस्थ रहूं और अगले जन्म में ब्रिटिश हुकूमत का खात्मा कर सकूं। और राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में और इसके अलावा 19 दिसंबर को बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद और रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेलों में फांसी दी गई। दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।